दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम जो है पाकिस्तानी मीडिया का एकदम लेटेस्ट वीडियो देखने वाले हैं, लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के बारे में क्या डिस्कस कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कभी भी इंडिया के बारे में पॉजिटिविटी की बातें जो है डिस्कस नहीं करता है, बल्कि ये कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा जो है अच्छी है, जिसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इंडिया इतना आगे जा चुका है कि पाकिस्तान अब उसका मुकाबला किसी भी फील्ड में नहीं कर सकता। तो दोस्तों चलिए वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देखने के बाद बाकी सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। अगर ये कहना कि ये इमरान खान कुछ बेहतरी कर सकता, कुछ नहीं कर सकता था। उसने कोशिश किया उधर ओआईसी में, आपने देखा वो सऊदी अरेबिया खड़ा हो गया और कहने लगा नहीं तुम हमें कहने लगा जाओ बाहर में, हम इंडिया के साथ, हमारा पार्टनर इंडिया है, हम उनसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $77 बिलियन उनको दे रहे हैं, उधर एक नेशनल रिफाइनरी हम बना रहे हैं, पाकिस्तान इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक, उसने तो हमारा कर्जा भी, वो जो हमें देता है वो भी वापस ले लिया, ऑयल क्रेडिट भी खत्म कर दिया। बात करें आप वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या मैं कहूं कमला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनका क्या रिएक्शन है, मच मोर सीरियस। एक सुपर पावर जो है उसने आज तक कुछ नहीं कहा है मूडी के खिलाफ, बल्कि मूडी की तारीफ की है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि मूडी का जो फार्मिंग स्टेप्स है वो बड़ा अच्छा है, बस थोड़ा सा कह दिया मूवी को, हाँ वो जो किसानों का हक होता है डेमोक्रेसी में एहतजाज करना पॉलिसियों के खिलाफ, मगर एक लफ्ज नहीं कहा है। और वो दूसरा जो है उसका क्या मतलब है, वो जो उसका ब्लिंकन जो भी है आज जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसने बड़ी तारीफ की है जयशंकर की, हिंदुस्तान की बड़ी, ये सब हमारा कसूर है कि अमेरिका जो है वो आंख बंद कर रहा है जो हो रहा है। लेकिन इससे पहले जो हिलाली साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं है, तो मुझे ये बताएं क्या कसूर मेरा आपका या हिलाली साहब का। अगर हम बैनुल अक्वामी सतह पे कमजोर हो गए हैं, अगर सऊदीया जैसा दोस्त मुल्क भी हमारी बात नहीं मान रहा, अगर सऊदीया जैसा मजबूत हमारा दोस्त वो हमारे मौकफ की हिमायत नहीं कर रहा, तो इसमें कहीं ना कहीं तो हमारी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और जब वो प्रॉब्लम है वो हुकूमत पे ही आई। क्या कर सकते थे इमरान खान साहब, आप क्या सजेस्ट? सर बात ये हुकूमत का ये हुकूमत का काम होता है ना, कि हुकूमत ने ही ताल्लुकात बेहतर करने होते हैं, हार्जिया पॉलिसी को लेके किसने चलना होता है। कि इंडिया कभी भी ये कोशिश, उसकी पूरी कोशिश होगी मोदी की हुकूमत क्या अगली हुकूमतों में भी, कि कश्मीर का मसला हल ना हो। क्योंकि वो आप ये देखें कि वो करने क्या जा रहा है, वो तो इसीलिए इसी चीज़ से बचने के लिए वहाँ जो उन्होंने नया कानून किया और जो वहाँ पे डोमिसाइल दे रहे हैं, वो तो उसका कश्मीर का पूरा आबादी का तनासुब भी चेंज करने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी मर्दमशुमारी भी पोस्टपोन कर दी और वो उसको भी आगे ले गए हैं, इसीलिए कि जो वहाँ पर मुसलमान आबादी है अक्सरियत में उसको कम करके वहाँ पर हिंदुओं की आबादी को बढ़ा लिया जाए, ताकि जब वहाँ पर इस तरह की अगर सूरत हाल होती भी है तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा इंडिया को। मौजूदा अगर आप देखें तो उसमें 55% आबादी जो है वो रहती है मकबूजा वादी में, 43% जम्मू और 2% लद्दाख में। इसी तरह से 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 68% मुसलमान है वहाँ पे, जबकि 28% हिंदू और 4% सिख और दूसरे लोग हैं बुद्ध मत वगैरह। अब अगर इंडिया ने जिस तरह से 18.5 लाख से ज्यादा डोमिसाइल वो अभी दे चुके हैं, अब उनकी कोशिश ये है मोदी फासिस्ट हुकूमत की कि किसी तरह से ये तनासुब इतना कर लिया जाए कि मुसलमान और जब उन्हें लगेगा कि अब सेफ हो गए, जब उन्हें ये एहसास हो गया कि अब हमारी आबादी बढ़ गई है, उस वक्त ये कराएंगे, अदरवाइज वो नहीं करवाएंगे। ठीक है, वीडियो आपने देख लिया होगा। दोस्तों सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि आप जो ये वीडियो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के, इन सभी वीडियोस को कुछ इंडियन यूट्यूबर्स ही बनाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उनका हौसला बढ़ाएं और उनको अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। उनको अगर आप वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर गाली वगैरह देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सारे वीडियो के जो कमेंट्स हैं वो इंडियंस ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी गंदा कमेंट ना करें और साथ ही उन लोगों का हौसला बढ़ाएं जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस इस तरह की वीडियो बनाते हैं। तो दूसरा, बात करें हमारी वीडियो की, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।
और दोस्तों एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपका देश सबसे ऊपर है, अपने देश को ज्यादा तवज्जो दीजिए। किसी भी दूसरे या कुछ इंटरनेशनल न्यूज सुन के आप अपने देश की आर्मी या सरकारों पे भरोसा खो बैठते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपको अपनी कंट्री और अपनी सरकारों पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके भले के लिए, आपके भविष्य के लिए आगे काम कंटिन्यू कर रही हैं। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ ऐसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।